कुछ लोगों की शादी के बाद एकदम राइज होना शुरू हो जाता है। वी डिस्कस दीज रूल्स सर। अगर किसी का वीनस इज इन सेवेंथ हाउस और मून इज इन सेवेंथ हाउस, दे राइज इन देयर करियर जस्ट आफ्टर मैरिज। और कभी कभी क्या होता है, आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है इन मैरिड लाइफ। द रीजन इज योर सेवेंथ हाउस इन योर बर्थ चार्ट। इफ योर सेवेंथ हाउस, अगर आपकी कुंडली में सातवां घर खराब है, तो शादी के बाद इमिडिएटली आपके ऊपर परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। कुंडली में सातवां घर सिर्फ मैरिज नहीं होता, इन बिजनेस डेली इनकम इज ऑल्सो सेवेंथ हाउस। करियर में सेवेंथ हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कि किसी का सेवेंथ हाउस खराब है, अगर वो जॉब में है, तो उसका जल्दी से नौकरी में पद प्राप्ति नहीं होगी, उसको प्रमोशन में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, सेवेंथ हाउस प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर करियर, इन आर रिलेशनशिप, इन आर बिजनेस। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बिकॉज सेवेंथ हाउस इज मैरिज एज वेल, की शादी होती है, डिस्प्यूट होता है एंड डिवोर्स हो जाता है, फिर दोबारा शादी होती है, फिर डिस्प्यूट होता है, फिर डिवोर्स होता है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इन द सेवेंथ हाउस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बार बार डिवोर्स हो जाए या आपका डिवोर्स हो जाए। डिवोर्स इज वेरी बिग इवेंट इन लाइफ। तो इन सब चीजों के लिए आपकी को कुंडली में सेवेंथ हाउस देखना चाहिए, आपको वीनस देखना चाहिए एंड द फोर्थ हाउस। प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड, फोर्थ हाउस ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली बिकॉज चौथा घर क्या होता है, चौथा घर सुख स्थान है, सुखी नहीं है तो उसको भी देखना पड़ेगा। सो सेवेंथ हाउस पे हमें, अगर हम स्पेसिफिकली सेवेंथ हाउस की बात करें या मैरिज का बात करें या करियर में ग्रोथ का बात करें, जॉब में प्रमोशन का बात करें, या अगर आप बिजनेस में हैं तो डेली इनकम का बात करें, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें आपको सेवेंथ हाउस देखना है। यू नीड टू सी द प्लैनेट सिटिंग इन सेवेंथ हाउस, सातवां घर, उसमें बैठे प्लैनेट। कुंडली में मरकरी कहाँ है, वेयर इज वीनस, कुंडली में शुक्र कहाँ है, ये देखना है। अगर ये सारी चीजें आप देखेंगे, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपका प्लैनेट या सेवेंथ हाउस कैसा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। और आपका अगर वो हाउस ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा और ये सारी चीजें भी ठीक नहीं दे रही, तो आपको इन सब का रेमेडी करना पड़ेगा, फोर्थ हाउस का, सेवेंथ हाउस का, मरकरी का, वीनस का, या उसके अंदर बैठा जो प्लैनेट, सेवेंथ हाउस के अंदर प्लैनेट जो बैठा है उसका। आपको इनसे रिलेटेड उपाय करने पर ही थोड़ा आराम मिलेगा या थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। तो वो लोग जिनका करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा, या मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके क्या होता है, जब वो जॉब चेंज करते तो ही प्रमोशन मिलता, वरना पिछले 5 साल 10 साल में किसी जॉब में रहे प्रमोशन मिला ही नहीं। प्लीज लुक एट योर सेवेंथ हाउस। एस्ट्रोलॉजर्स शुड डज नॉट गो बाय वन रूल, सिर्फ एक रूल में मत जाइए, पूरा चार्ट एनालाइज करिए कि उसका चौथा घर कैसा है, सातवां घर कैसा है, मरकरी कैसा है, वीनस कैसा है, और सातवें घर में कौन प्लैनेट बैठा है। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं देखेंगे, प्लीज डू नॉट कंक्लूड इट, सीधा जंप मत करिए कि ये प्लैनेट ऐसा है वैसा है। और एक बात और, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेमेडीज हमेशा वर्ष फल से होंगी, बर्थ चार्ट से रेमेडी ना किया करें। बहुत सारे लोग लॉट ऑफ पीपल से जब आपका जन्म हुआ तो बर्थ चार्ट पे जो प्लैनेट थे वो आपके बर्थ के समय के प्लैनेट थे, वो आपका लाइफ का ओवरऑल सिनेरियो बताएंगे। बट देन एंड व्हाट विल हैपन, वर्षफल विल टेल कि ये साल मेरा कैसा है। जिंदगी के सारे साल किसी के अच्छे नहीं होते, जिंदगी के सारे साल किसी के खराब नहीं होते। ओनली वर्षफल कैन टेल कि कौन सा अच्छा जाएगा और कौन सा खराब जाएगा। अगर खराब जाएगा तो उसे अच्छा करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, वर्षफल कैन टेल, नो अदर चार्ट कैन टेल दिस। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लाल किताब, एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यू कैन डायरेक्टली पिन पॉइंट इट, ये इशू है, ये इशू आने वाला है, इस महीने में आएगा, पहले रेमेडी कर लीजिएगा, सेटल हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब वर्षफल।